Hi everyone, welcome to my video. I am Ashna Parveen, currently first year MBBS student at IGMC Nagpur. I scored 637 in NEET 2021 and it was my first attempt at NEET. आज मैं आपको बता देती हूँ अपने कॉलेज के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मुझसे पूछा जा रहा था जो स्टूडेंट्स थे कि आपके कॉलेज का फ़ीस क्या है और यहाँ का कट ऑफ क्या रहता है और हॉस्टल फैसिलिटीज़ एंड ऑल सब के बारे में। तो एक एक करके मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। तो मैं अपने कॉलेज के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले उसका नाम क्या है, दैट इज़ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, एंड नागपुर महाराष्ट्र इंडिया में है, तो वहाँ पर वो सिचुएटेड है। और जो लोकली उसे मेयो हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, मतलब मेयो वहाँ पर आप कहेंगे, आईजीजीएमसी नागपुर आप कहेंगे तो लोग नहीं जानेंगे। आईजीएमसी नागपुर में टोटल सीट्स 200 हैं एंड 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती हैं एंड 85% जो है वो स्टेट कोटा महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का होता है। एंड ये कॉलेज जो महाराष्ट्र का विदर्भ जोन है उसमें सेकंड नंबर का है। इसके बाद इसकी फ़ीस क्या क्या है, तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स जो 15% ऑल इंडिया कोटा से स्टूडेंट्स जाते हैं, एंड जो महाराष्ट्र डोमिसाइल के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ की अगर टोटल फीस बताऊँ तो ट्यूशन फीस 1,04,000 है एंड ऑल अदर फीस जैसे कि हॉस्टल फीस एंड लाइब्रेरी ये सब फीसेस मिला के 1,19,000 के अराउंड पड़ता है आपका जनरल कैटेगरी के लिए। बट आप अगर EWS में हैं तो इसी का हाफ हो जाएगा आपका, एंड 67,000 के अराउंड जो है वो EWS की फ़ीस होती है। एंड OBC कैटेगरी की जो फीस है वहाँ पे वो 15,000 है। तो जो मतलब कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, OBC, SC, ST जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके 15,000 फीस होती है। और ये जो कैटेगरी स्टूडेंट्स का जो फीस कम है ये सिर्फ मतलब स्टेट डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि ऑल इंडिया कोटा से अगर कोई OBC, SC, ST का स्टूडेंट है तो उसकी फीस वही जनरल कैटेगरी के जितने ही लगेगी, डेट इज़ 1,19,000। इसके बाद हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊँ तो जो हॉस्टल फीस है वो बहुत ही कम है यहाँ का, दैट इज़ 4,000 पर ईयर होता है। एंड गर्ल्स का जो हॉस्टल है वो न्यू बिल्ड है, मतलब कि अभी नया नया बना है, तो हॉस्टल फैसिलिटी गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है। जो मेस का फीस है वो अलग से रहता है। जैसे गर्ल्स हॉस्टल में मेरा जो है वो 1900 पर मंथ रहता है, वो तो 1900 पर मंथ सिर्फ आपका 2 times का जो खाना रहेगा वो रहेगा, ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग के जो स्नैक्स होंगे वो अलग से रहता है। एंड जो बॉयज़ का हॉस्टल है उसका मैं बताना चाहूँगी, वो उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही पुराना हॉस्टल है वो। तो बॉयज़ का जो नया हॉस्टल है जो न्यू BH है वो मतलब सेकेंड ईयर से अलॉट होता है, और फर्स्ट ईयर का जो बॉयज़ हॉस्टल है वो अलग से है। इसके बाद यहाँ का कट ऑफ जो है मेरे कॉलेज का वो मैं बताती हूँ। ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ पहले बताती हूँ, और मेरा सिलेक्शन कौन से रैंक पे हुआ था, तो 6476 मेरी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 6476, उस पर मेरा अलॉटमेंट हुआ था वहाँ पर। सेकंड जो अलॉटमेंट था वो मेरा था वहाँ पे। बट जो कट ऑफ का एक बात आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि आप लोग काउंसलिंग करते हैं, देखते हैं कोई भी राउंड का, तो राउंड 2 का जो कट ऑफ रहेगा उसे ही मेन मानिएगा, क्योंकि बाद में मॉपअप वाला जो होता है वो रिस्क वाला होता है। फर्स्ट मॉपअप तक आप देख सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था एंड ऑल इंडिया में जो 5th राउंड भी हुआ था स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी, तो उस तक देखने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड राउंड तक का जो कट ऑफ होता है वही मेन कट ऑफ होता है, क्योंकि वहाँ तक ही उसके बाद तो आपको रिस्क लेके फिर आगे जाना होता है। ऑल इंडिया राउंड 2 का कट ऑफ मेरे कॉलेज का जनरल का जो था, दैट इज़ AIR 7777। OBC का कट ऑफ था 9309, EWS का कट ऑफ था 9248 ऑल इंडिया रैंक, SC का ऑल इंडिया रैंक 65867, ST का कट ऑफ था ऑल इंडिया रैंक 82580। तो ये कट ऑफ था ऑल इंडिया कोटा का, ये राउंड 2 का कट ऑफ मैं बता रही हूँ। और जो लास्ट कट ऑफ है वो लास्ट क्लोजिंग रैंक भी मैं बता देती हूँ मेरे कॉलेज का क्या था, दैट इज़ जनरल का था 12AIR 12589, OBC का ऑल इंडिया रैंक 14894, EWS का 11585, SC का ऑल इंडिया रैंक 74893, एंड ST का जो कट ऑफ था वो सेम था, मतलब मॉपअप में भी वही था। ये कट ऑफ था ऑल इंडिया का जो मेरे कॉलेज का गया था। तो मेरे कॉलेज का स्टेट कोटा का कट ऑफ बताती हूँ, जो कि महाराष्ट्र स्टेट का 85% सीट जो होती हैं उसका कट ऑफ क्या, उसका भी मैं राउंड 2 का कट ऑफ बताती हूँ एंड देन फिर उसके बाद क्लोजिंग कट ऑफ भी बता दूंगी। राउंड 2 का जनरल का कट ऑफ जो है दैट इज़ ऑल इंडिया रैंक 21629 था, वो 595 मार्क्स के अराउंड था। OBC का कट ऑफ था 21997 ऑल इंडिया रैंक, EWS का कट ऑफ था ऑल इंडिया रैंक 22879, SC का कट ऑफ था ऑल इंडिया रैंक 73256 एंड ST का कट ऑफ था 208948। महाराष्ट्र स्टेट में कि पहले मतलब अपग्रेडेशन होते जाता है,
तो अपग्रेडेशन होके मतलब सेकंड राउंड में 595 पे जनरल का अलॉटमेंट हुआ था एंड वो सिर्फ 592 तक हुआ था। जैसे कि आईजीएमसी नागपुर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अंडर पे है, तो महाराष्ट्र स्टेट का जो बॉन्ड होता है वो 1 ईयर का बॉन्ड है। जैसे कि हम लोग जब एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर 2 बॉन्ड्स हमें मतलब फिल करने होते हैं। एक बॉन्ड होता है 1 ईयर सर्विस बॉन्ड, जो रूरल एरिया में मतलब कि जब हमारा MBBS कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर इंटर्नशिप 1 ईयर का हमें बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई भी रूरल एरिया में। और बॉन्ड होता है 5 ईयर्स का फॉरेन मतलब नहीं जाने का बॉन्ड है वो, कि आप 5 ईयर्स तक बाहर फॉरेन नहीं जान रहे हैं। तो ये 2 बॉन्ड एसोसिएटेड हैं इस कॉलेज से, कि 1 ईयर सर्विस बॉन्ड एंड 5 ईयर्स फॉरेन बॉन्ड। तो ये वीडियो था कि MBBS में क्या क्या होता है, एंड उसके बाद फिर मैंने अपने कॉलेज का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया कि वहाँ पे मतलब फ़ीस क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर एंड उसके कट ऑफ के बारे में बताया, और सीट्स एंड ऑल सब के बारे में मैंने कवर किया अपने कॉलेज के बारे में। और वो जो भी कट ऑफ की लिस्ट है मैंने जो डाउनलोड कर रखी है मेरे पास है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी डायरेक्ट देख लीजिएगा कि इस साल का भी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो उसके अराउंड ही जाने वाला है। तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ पिछले साल कितने पे कौन सा कॉलेज मिला था। और अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको नीट से रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे नोट्स के लिए। आगे भी वीडियोज़ में मैं अपने नोट्स के रिगार्डिंग एंड काउंसलिंग से रिलेटेड, MBBS से रिलेटेड, सबसे रिलेटेड अपने वीडियोज़ बनाती रहूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपको आगे भी गाइडेंस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।